बच्चों अभी हम एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 4 का देखेंगे थर्ड नंबर, ठीक है। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 4 का थर्ड नंबर देखें, 16135 डिवाइड 875, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करें, कैसे करें ये डाउट है आप लोगों का आरडी में, ठीक है। क्वेश्चन में इन्होंने क्या लिखा है, चेक द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि रिमाइंडर जीरो ही लाओ, ठीक है। अगर जीरो नहीं आ रहा है तो उसमें कोई मतलब डरने की बात नहीं है। उन्होंने सिंपल आपसे क्वेश्चन और रिमाइंडर मांगा है, आप बस वो ला के दो जो भी आए, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 875 161 35, ठीक है। अब क्या करेंगे, 875 की टेबल लगाओ, 875 की टेबल, 875 2 लगाओ, 2 5 10 2 7 14 15 2 8 16 17 1 7 5 0, देखो बड़ा हो रहा है, 1 6 1 3 1600 से बड़ा हो रहा है तो 1 जा ही लगेगा, ठीक है। 875 1 जा, अब माइनस करो, ठीक है। माइनस कैसे करोगे, देखो 13 में से पाए गए 8 0, फिर से यहां से लोगे 10 में से 7 गए 3, फिर 5, फिर से यहां से लोगे 15 में से 8 गए 7, ठीक है। 7 38 होगा, चेक कर लो, 13 में से 5 गए तो 8 बचे, ठीक है। फिर 10 में से 7 गए 3 बचे, 15 में से 8 गए 7 बचे, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करोगे, 5 नीचे उतारो, ठीक है। 7 3 8 है, 5 नीचे उतारो, ठीक है। अब 7 3 8 5 875 की टेबल में कब आता है चेक करो, 875 देखो 7000 मतलब 9 कुछ 9 या 8 होगा, ठीक है। 9 5 45, 9 7 63 67, 9 8 72 78, बड़ा हो रहा है देखो, तो 875 8 जा करो, ठीक है। 8 5 40, 8 7 56, 8 8 64, तो 7000 हो रहा है, ठीक है। 875 8 जा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन ऊपर है वो 18 है, रिमाइंडर क्या है 385 है, ठीक है। जो है वो है, ठीक है। अब मतलब आप कुछ कर नहीं सकते हो, जो आंसर है वो है, ठीक है। तो बस यही आंसर है आपका, ठीक है। तो उसमें कोई ऐसे नहीं कि जीरो ही आना चाहिए, उसने सिंपल बोला चेक द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर चेक करो, ये आया आपका, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन 5 देखो, फाइंड द नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 35 गिव्स द क्वेश्चन 20 एंड रिमाइंडर 18। देखो एक नंबर फाइंड करो, सॉल्यूशन फाइंड द नंबर मतलब एक नंबर फाइंड करो व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, ठीक है। मतलब जो 35 से डिवाइड हो रहा है, 35 से डिवाइड हो रहा है मतलब वो डिवीजर है, ठीक है। 35 से डिवाइड हो रहा है मतलब वो डिवीजर है, ठीक है, डिवीजर। तो क्या बोल रहा है, गिव्स द कोशंट, कोशंट कोशंट है, ठीक है। कोशंट मतलब क्यू होता है, आपको पता है कोशंट मतलब क्यू, 20 कोशंट। और रिमाइंडर क्या है 18, ठीक है। विच वैन डिवाइडेड बाय 35। अच्छा अब आप जब आपने डिवीजन सीखा होगा, ठीक है, आपने कभी भी डिवीजन सीखना चालू किया होगा, किसी भी मैम ने सिखाया होगा तो आपको बताया होगा कि भाई बेटा देखो जो ये अंदर लिखा जाता है इसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड। जो अंदर लिखते हो डिविडेंड होता है, जो यहाँ बाहर लिखते हो वो डिवीजर होता है, जो ऊपर लिखते हो उसे कोशंट कहते हैं, और जो आपका बचता है उसे आप रिमाइंडर कहते हो, ठीक है। और फॉर्मूला जब मैंने कल एक फॉर्मूला बताई थी, मैंने कहा था अभी तो ठीक है पर आगे वाले बड़े स्टैंडर्ड्स में ये फॉर्मूला काम आएगी, इवन नाइन्थ में टेंथ में ये फॉर्मूला अभी तक यूज होती है। कौन सी, अंदर वाला ये ए है, ये बाहर वाला बी है, क्यू है, ये आर है। तो फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये फॉर्मूला आज आप सीख रहे हो ना, ये आपको टेंथ तक तो श्योर काम आएगी, ठीक है, टेंथ तक तो काम आने ही वाली है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ना
तो ये फॉर्मूला से ये सॉल्व करो, ठीक है। आपको ए फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे? तो देखो फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो बी क्यू मतलब मल्टीप्लाई, आपको क्या करना है, 35 और 20 को मल्टीप्लाई करना है, 35 और 20 को मल्टीप्लाई करना है और आर एड करना है, ठीक है। तो 35 20 जब मल्टीप्लाई करो, 35 20 जब, अच्छा मैंने आपको सिखाया है कभी भी आप मल्टीप्लाई करो ना जीरो और पीछे तो जीरो भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए, क्यों, फिर मल्टीप्लिकेशन छोटा हो जाता है, फिर एंड में ऑटोमेटिक रिजल्ट में जीरो डाल दो, ठीक है, ऐसा ही करने का। तो देखो 35 20 जा कर, 35 2 जा करो, तो 2 5 10 2 3 जा 6 70, तो 70 है, 10 बढ़ा दो क्या हो जाएगा 700, ठीक है। तो ये 700 आया आपका, 700 प्लस 18, अब 700 में 18 डाल दो तो 718 आंसर क्या आया, 718, तो ठीक है ये आपका आंसर। क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर, सो द नंबर इज, ठीक है। अब यहाँ देखो मतलब यही करना था, देखो डिवाइडेड बाय है मतलब ये आपका b है, क्वेश्चन टेक यू है 20 है, रिमाइंडर है r है 18 है, ठीक है, बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन 6 बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही है, मैं अभी से ही आपको होमवर्क पर दे देती हूँ, आरडी का क्वेश्चन 6 बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 आपका होमवर्क में ले लो, क्वेश्चन 5 की तरह ही है, ठीक है, मैं अभी से ही बोल देती हूँ, लास्ट में मैं फिर से बोलूंगी, पर क्योंकि सेम है इसमें मैं होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा अभी क्वेश्चन 7 देख लो, क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 6 बिल्कुल सेम ही है, मतलब सिर्फ वही वैल्यू ही, फॉर्मूला वही है, सब कुछ वही है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन 7 देखें, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 504347, क्वेश्चन 7 द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 504347, if one of the numbers देखो क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 504347, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 1591, फाइंड द अदर, ठीक है। देखो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, क्वेश्चन का मतलब समझो क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 504347, क्या बोल रहा है सॉल्यूशन, क्या बोल रहा है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट, दो नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब ऐसे a मल्टीप्लाई b, तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 504347, भाई दो नंबर का मल्टीप्लाई का आंसर ये है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 1591, कह रहा है अगर एक का आंसर 1591 है, समझो a का आंसर 1591 है, तो फाइंड द अदर, तो बाकी का फाइंड करो, मतलब इसने क्या बोला है क्वेश्चन, पहले मतलब समझो कि भाई दो नंबर का प्रोडक्ट, भाई जब दो का मल्टीप्लाई करते हो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 504347, 504347, इफ वन ऑफ द नंबर इज 1591, अगर एक नंबर 1591 है तो फाइंड द अदर, दूसरा फाइंड करो। तो जब दूसरा फाइंड करना, आप सिंपल देखो दिख ही रहा है आपको, ये फाइंड करना है आपको, तो ये सीधा कहाँ जाएगा, नीचे डिवाइड में, ये भी रूल है, अगर इक्वल टू एक साइड हो तो नंबर अगर यहाँ है, मुझे ये फाइंड करना है तो इसको यहाँ ले जाऊंगी डिवाइड में, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 504347 अपॉन 1591, ठीक है, डिवाइड करना है, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, इसका मतलब मैं अगर शॉर्ट में समझाऊं तो आपको क्या करना है, बड़ा डिवाइड छोटा, ठीक है।
ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा डिवाइड छोटा, बड़ा क्या मतलब टोटल नंबर डिवाइड ये जो दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये बहुत बड़ा डिवाइड है, आपको डिवीजन यूज करना पड़ेगा, बहुत बड़ा डिवाइड है ये। ठीक है, 1591504347। अच्छा अब क्या करेंगे, ये तीन तीन का ये चार का लेते हैं, 1591 करते हैं और 3 जा ट्राई करती हूँ, 3 जा 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 4 5, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 4, 4 5 5 7 आया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें हो जाएगा 3 जा 1 5 1 9 3 जा 4 5 5 7। ठीक है, फोर फाइव फाइव सेवन माइनस, ठीक है इसमें देखो 13 है, ठीक है ये कट होगा 3 है, फिर ये कट होगा, ठीक है इससे आपने कैरी लिया ना, ठीक है फिर ये कट होगा, तो 13 में से 7 गए 5, सॉरी 6 होंगे ना, और 13 में से 7 गए 6, 13 में से 5 गए 8। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, तो फिर अभी देखें क्या करेंगे, अरे कहीं मिस्टेक लग रही है, एक सेकेंड, 1 5 9 1 3 जा 3 1 जा 3 3 9 जा 27 3 5 जा 15 16 17, 3 1 जा 3 4 4 7 7 3 है और मैंने लिखा है 4 5 5 7, ऐसे कैसे लिख दिया, तो ये शायद मेरी मिस्टेक है, यहाँ 4 7 7 3 आएगा, फिर से करती हूँ, ठीक है क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई में ही कुछ लोचा मारा है, ठीक है कहीं कुछ किया होगा मैंने गलती, ठीक है स्टार्टिंग ही गलत ले ली मैंने। ठीक है, फिर से देखो 5 0 4 3 4 7, ठीक है तो 1 5 9 1 3 जा 3 1 जा 3 3 9 जा 27 3 6 17 3 1 जा 4 4 7 7 3, तो 1 5 9 1 3 जा 4 7 7 3 माइनस करें। ठीक है, अब बराबर, ठीक है देखने में लग रहा था आंसर नहीं आएगा, देखो अब यहाँ पे 3 में से 3 गए 0, 14 में से 7 गए 7, 9 में से 7 गए 2, ठीक है 9 में से 7 गए 2, ठीक है और यहाँ, ठीक है 2 7 0। अच्छा अब क्या करेंगे, अब 4 नीचे उतारे, ठीक है अब देखो 2 7 0 4 है, अब क्या करेंगे 2 7 0 4 से, तो देखें यहाँ पे 1 5 9 1 ही लगेगा, 2 से ट्राई करना है तो कर लो, देखो 1 5 9 1 2 से करो, 3 1 8 2 आ रहा, ठीक है बढ़ रहा है तो मतलब 1 जा ही लगेगा ना, 1 जा 1 5 9 1 1 जा 1 5 9 1, ठीक है 1 5 9 1, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, 4 में से 1 गया 3, ठीक है अब 10 में से 9 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ठीक है तो इस तरह से माइनस किया। अच्छा आप क्या करेंगे, 7 नीचे उतारें, ठीक है 111 37, 1 5 9 1 को किससे करेंगे कि 111 37 मिले, तो 1 5 9 1 करके देखें, 5 से करो 6 से करो करके देखो, ठीक है 7 से करके देखते हैं, 7 1 जा 7 7 9 जा 63, 7 5 जा 35 41, 7 1 जा 7 8 9 10 11, ठीक है 1 1 1 3 7, 1 5 9 1 7 जा, ठीक है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन थी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, ठीक है ध्यान से करना पड़े वरना मिस्टेक हो सकती है। ठीक है 317 आंसर आया, आंसर क्या आया आपका 317 आया, तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे, B इज इक्वल टू 317, ठीक है।
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा ध्यान से करना पड़े, ठीक है, ध्यान से नहीं करेंगे इसीलिए मिस्टेक होगी, ठीक है। जैसे मैंने शुरू में ही जैसे 1.91 था, मैंने पता नहीं करके क्या मिस्टेक की, पर ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो आपको ध्यान देना पड़े। तो b इज इक्वल टू 317, फाइंड द अदर नंबर, देयरफॉर द अदर नंबर इज 317, ठीक है। तो ये सेवंथ नंबर है। इसके बाद अभी एट्थ नंबर देखें आपका, ऑन डिवाइडिंग 59761 बाय अ सर्टेन नंबर, ये वाला भी कर लेते हैं, एट नंबर, ऑन डिवाइडिंग 59761 बाय अ सर्टेन नंबर, द क्वोशंट इज 189 and the remainder is 47. Find the divisor. Divisor find करना है। तो देखो ऐसे, देखो आपको quotient भी दिया हुआ है, आपको remainder भी दिया हुआ है और आपको dividend भी दिया हुआ है, ठीक है। Dividend दिया हुआ है, quotient दिया हुआ है और ये remainder दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां a क्या होता है, a होता है डिविडेंड, ये जो दिया हुआ है इसे डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड a, ठीक है। तो ये a डिविडेंड है, आपको a दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 59761, तो 59761। बी क्या दिया हुआ है आपको, डिवीजन तो फाइंड करना है, डिवीजन क्या होता है, बी वो फाइंड करना है आपको, ठीक है। क्यू क्या दिया हुआ है, 189, तो क्यू की जगह क्या लिखोगे, 189 प्लस, मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ फॉर्मूला है उसमें खाली वैल्यू डाल रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मुझे क्वेश्चन मतलब क्यू दिया हुआ है, मुझे रिमाइंडर मतलब आर दिया हुआ है, मुझे डिवीजर फाइंड करना है, डिवीजर कौन होता है, बी होता है, ठीक है। तो मैंने बी की जगह डी लिखा क्योंकि वो मुझे फाइंड करना है, मेरे पास है ही नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे पास जो एक फॉर्मूला है उसमें मैं वैल्यूज ही डाल रही हूँ, अभी कोई स्टेप नहीं किया है मैंने, ठीक है। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 37, ठीक है। अच्छा अब मुझे क्या करना है, ये बी फाइंड करना है, तो देखो ये जो मुझे बी फाइंड करना है ना, ये जो मुझे फाइंड करना है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगी, मुझे बी फाइंड करना है, मुझे बी को अकेला बनाना पड़ेगा, ठीक है। मुझे बी के जो आजू बाजू सारी भीड़ है वो हटानी पड़ेगी, ठीक है। बी को अकेला बनाना है क्योंकि फाइंड करना है मुझे, कैसे अकेला बनाऊंगी, तो देखो ये जो प्लस 37 है, ये जो प्लस 37 है इसको उठा के इक्वल के उधर ले जाऊंगी। देखो मैथ्स में ये रूल है, जब भी आप एक नंबर को दूसरे नंबर दूसरे साइड ले जाते हो, इक्वल टू के उस साइड ले जाते हो, तो साइन हमेशा चेंज हो जाती है, क्या हो जाती है, साइन चेंज, ठीक है। ये अभी आप सीख रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, आगे जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ेंगे थोड़ा लेट जाके ये चीज बहुत ज्यादा आएगी, ठीक है। थोड़ी सी इस टाइम आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी कि मैम क्या बता रही है, पर जैसे आप आगे जाओगे ये चीज बहुत काम आने वाली है, ठीक है, बहुत काम आएगी थोड़ा आगे जाके, ठीक है। अभी आपके लिए थोड़ी शुरुआत है, थोड़ा समझो मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। मैं बोल रही हूँ मुझे ये बी फाइंड करना है, ठीक है। तो जो मुझे बी के साथ जो सारी भीड़ है ना वो खत्म करनी है, ठीक है। तो पहले मुझे प्लस 137 दिखा, ठीक है, ये प्लस 37, तो मैं उसको उठा के उधर ले जाऊंगी, ठीक है।
उसको उठा के उधर, तो मैक्स में नियम है, मैक्स में रूल है, अगर आप इक्वल टू से एक नंबर दूसरे साइड ले जाते हो तो प्लस है तो वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस, ये रूल है। अगर माइनस होगा तो दूसरी साइड जाके हो जाएगा प्लस, ठीक है। अभी आपके लिए चीज नहीं है, थोड़ी बाउंसर भी जा रही होगी कि मैम क्या बोल रही है, पर कोई बात नहीं, आगे और ऐसा बहुत सारा आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो देयर फोर 5, 9, 7, 6, 1, 37 उधर जाएगा तो -37 इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई 189, ठीक है। आप 37 को प्लस 37 को उठा के उधर ले गए तो -37 और बी 189 रहा, ठीक है। माइनस करो 5, 9, 7, 6, 1, -37 तो 5, 9, 7, 6, 1, -37, ठीक है। 11 में से 7 गए 4, 5 में से 3 गया 2, ठीक है, बाकी सेम टू सेम 5, 9, 7, ठीक है, तो 5, 9, 7, 2, 4 आएगा, देयर फोर 5, 9, 7, 2, 4 इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई 189, ठीक है। अब फिर से मुझे ये 189 को हटाना है, फिर से मैंने आपको बताया था रूल होता है मैक्स में, अगर इक्वल टू इस साइड मल्टीप्लाई है और आपको बी फाइंड करना है, उसको अकेला बनाना है, तो सामने जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है, ये रूल है। आपने मेरे ख्याल से एक आज के लेक्चर में ये चीज मैंने बताई थी, अकेला बनाना है इसको, बी को अकेला फाइंड करना है, तो 189 सामने जाएगा होगा डिवाइड, ठीक है। तो देयर फोर 5, 9, 7, 2, 4 डिवाइड 189, ठीक है, फाइंड कर लो। अब फिर से कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, ध्यान से नहीं करेंगे तो कोई सिली मिस्टेक हो जाएगी, फिर से कोई मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो देखो 189, 5, 9, 7, 2, 4, ठीक है, तो 189 की टेबल में 597 चेक करते हैं, 189, 3 जा 3, 9 जा 27, 3 8 जा 24, 25, 26, 3 1 जा 3, 4, 5, ठीक है, 567 आया है, तो यही होगा 189, 3 जा 567, ठीक है, -0, 9 6 3, 2 नीचे उतारे, फिर से 189 की टेबल चेक करें, 189, 2 जा 2, 9 जा 18, 2 8 जा 16, 17, 2 1 जा 2, 3, फिर से नहीं हो रहा है तो 189 वन जा ही करेंगे, ठीक है, 2 सा नहीं हो रहा है ना, 1 जा, ठीक है। तो 12 में से 9 के लिए 9, ठीक है, 12 में से 9 गए 3, 10, 11, 12, 9 में से 8 गए 1, ठीक है, और ठीक है फिर से 2 में से 1 गए 1, ठीक है, 1, 1, 3 आया बराबर। अच्छा अब 4 नीचे उतारो, ठीक है, अब 189 को 9 किससे करके देखें, 6 से करके देखो, 6, 6 9 जा 54, 6 8 जा 48, 49, 50, 53, 6 1 जा 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, परफेक्ट आंसर है 189 जा 6। मैं क्या सोच रही थी, मैं सोच रही थी कि 4 कब पीछे आएगा, तो फिर मैंने 6 सोचा कि 6, 9 जा 54 होगा ना, ये मैंने पीछे वाला नंबर सोचा, और मैं मन में सोच रही थी कि 2 से लगाऊंगी तो 3 से लगाऊंगी, तो फिर मेरे मन में आया अगर 6 से लगाऊंगी 6, 9 जाओ तो पीछे 4 आ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो ना ये चीजें आप खुद सोचने लगते हो, ठीक है। मैंने जो एक मिनट रुक के मैंने क्या सोचा कि मैं क्या करूंगी कि पीछे 4 मिलेगा मुझे, ठीक है, मैं और सोच रही थी 189 से क्या करूंगी कि मैं 2 से करूंगी तो फिर 8 मिलेगा पीछे, 18, 3 से करूंगी तो 9 को 27 मिलेगा, ऐसे सोच रही थी, तो फिर ध्यान आ गया 6 से, ठीक है। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो आप बाकी 189 की 2-3 टेबलें लगा लो भाई, 4 की लगाई, 5 की लगाई, 6 की लगाई, ठीक है, तो जो 1, 1, 3, 4 के आजू बाजू हो वो लिखने का, ठीक है, तो 1, 1, 3, 4 ही आ गया, 189, 6 था, ठीक है, 6 था 1, 1, 3, 4, ठीक है, मतलब मेरा आंसर क्या है 316, तो 316 इज माय आंसर, तो 316, तो बी क्या आया 316,
सो द अदर नंबर इज अच्छा देखो फिर से फॉर्मूला लगाई अभी आपको फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड लगेगी थोड़ी सी पर सिंपल आपने माइनस किया पहले क्या आपने क्या किया माइनस किया आपने ये डिविडेंड में से रिमाइंडर माइनस किया फिर बस डिवाइड कर दिया ठीक है डिविडेंड में से रिमाइंडर माइनस किया फिर डिवाइड कर दिया दो स्टेप्स की क्या किया डिविडेंड माइनस रिमाइंडर फिर जो आंसर आया उसको डिवाइड कर दिया ठीक है तो ये आपका है क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 देखते हैं क्वेश्चन 9 भी डिफरेंट है ठीक है वो मुझे कराना पड़ेगा सब अलग अलग सम्स हैं फॉर्मूला वही यूज हुई है पर सब में जो हल्के हल्के स्टेप्स दूसरे हैं ठीक है क्वेश्चन 9 ये चीज थोड़ी सी इस लेवल पे अभी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी पर जैसे जैसे आपका 6th स्टैंडर्ड आगे बढ़ेगा फिर आप देखोगे आपको ये सारी चीजें आ रही है मतलब ये चीजें जब फिर आपको आएंगे आगे वाले चैप्टर्स में और ज्यादा आएंगी अभी फिलहाल के लिए अभी थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई क्या पढ़ रहे हैं ठीक है तो अभी थोड़ा सा आपको लगेगा पर फिर आगे आपको ये चीजें अच्छी लगेंगी मतलब ये चीजें फिर काम भी आएंगी आपको ठीक है 8th नंबर देखे ऑन डिवाइडिंग सॉरी 8th तो हुआ ना अभी अभी 8th हो गया आई थिंक 9th देखे ऑन डिवाइडिंग फाइव फाइव थ्री नाइन जीरो बाय 299 बाय 299 द रिमाइंडर इज 75 फाइंड द क्वेश्चन ठीक है अच्छा फिर से ऑन डिवाइडिंग 55390 बाय अच्छा डिवाइड क्या करें इसको इसे क्वेश्चन फाइंड करना रिमाइंडर क्या दिया हुआ है रिमाइंडर 75 आर क्या दिया हुआ है 75 और ये दो नंबर दिए हुए हैं इसमें से ए और बी एक होगा तो देखो जो बी होता है ना वो हमेशा सबसे बड़ा होता है बी अंदर लिखते हैं सबसे बड़ा डिविडेंड तो बड़ा नंबर बी होगा और डिवीजर जो बाहर लिखते हैं वो छोटा होता है तो छोटा नंबर 299 होगा ठीक है रिमाइंडर तो फिक्स है देखो रिमाइंडर के नाम के आगे रिमाइंडर लिखते हैं वो आर है क्वेश्चन को क्यू बोलते हैं कंफ्यूजन क्या होती है डिविडेंड और डिवीजर में ए कौन है बी कौन है अंदर कौन बाहर कौन तो अंदर वाला वो हमेशा बड़ा होता है बिग नंबर होता है उसे डिविडेंड कहते हैं ठीक है तो ये बड़ा नंबर है दिस इज डिविडेंड ए है ठीक है ये ए सॉरी बी है ठीक है बड़ा नंबर हमेशा बी होता है ठीक है बड़ा बी बी फॉर बड़ा जैसे भी याद रखो बड़ा नंबर डिविडेंड ठीक है बी होता है ठीक है ऐसे करते हो ना आप ये है ना आपकी फॉर्मूला ठीक है ए इज बी क्यू प्लस आर है ए इज बी क्यू प्लस आर ठीक है अंदर ए आएगा सॉरी अंदर ए आएगा ठीक है ए ए ए ए ए बड़ा होता है ठीक है ए बड़ा और बी छोटा ए इज बी क्यू प्लस आर ठीक है अंदर बड़ा आता है अंदर बड़ा सॉरी अंदर बड़ा आता है ठीक है बस कैसे भी याद रखो अंदर बड़ा आता है ठीक है वो इतना उसमें घुसते नहीं है कॉम्प्लिकेशन में देखो फॉर्मूला क्या है ए इज बी क्यू प्लस आर ए क्या होता है डिविडेंड ठीक है बी क्या होता है डिविजर क्यू क्या होता है कोशेंट और आर क्या होता है रिमाइंडर ठीक है तो ये इस तरह से होता है अच्छा तो अब आपको फाइंड क्या करना है आपको क्वेश्चन फाइंड करना है क्या फाइंड करना है ये क्वेश्चन फाइंड करना है तो फिर से क्या करोगे पहले माइनस कर दो फिर डिवाइड जैसे पहले किया ना माइनस करो डिवाइड इन दोनों को माइनस करो पहले ठीक है सॉल्यूशन पहले क्या करेंगे माइनस करो डिविडेंड में से रिमाइंडर माइनस करो ठीक है डिविडेंड में से रिमाइंडर माइनस करो ए इज बी क्यू प्लस आर ए क्या है आपका 55390 बी क्या है 299 क्यू फाइंड करना है रिमाइंडर क्या है 75 ठीक है क्या करोगे पहला स्टेप माइनस करो 55390 माइनस 75
इज इक्वल टू 299 मल्टीप्लाई क्यू, ठीक है, माइनस कर लो 55390 माइनस 71, ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 गया 1, ठीक है, तो 5 5 5 3, बाकी सेम टू सेम नीचे उतारेंगे, ठीक है, तो क्या आया 5 5 3 1 5 आया, ठीक है, 5 5 3 1 5, ठीक है, अब Q फाइंड करो, Q कैसे फाइंड करोगे, डिवाइड में ले जाओ, तो 5 5 3 1 5 डिवाइड 299 इज इक्वल टू Q, Q को डिवाइड करो 299 से, ठीक है, Q को डिवाइड करें, टू नाइनटी नाइन 5 5 3 1 5, ठीक है, सबसे पहले ये तीन नंबर लेंगे, ठीक है, 299 को करें, 299 पूजा करके देखते हैं, 299 पूजा, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 19, 2 2 जा 4 5, देखो बड़ा जा रहा है 5 5 3 से, तो 1 जा ही लगाएंगे, ठीक है, 299 1 जा 299, क्योंकि ये बड़ा जा रहा है ना, 553 से बड़ा हो गया ना, तो फिर नहीं लिया हमने, माइनस, ठीक है, 13 4 14 4, ठीक है, 13 में से 9 गए 4, 14 में से 9 गए 5, 4 में से 2 गए 2, ठीक है, 1 नीचे उतारें, ठीक है, 299 की टेबल में 2 5 4 1 ट्राई कर, अब ये तो रैंडम ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, पहले 6 से कर लेती हूँ, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, 5 59, 6 2 जा 12, 5 17, ठीक है, तो 299 7 जा करके देख लेती हूँ, 299 7 जा 7 9 जा 63, 7 9 जा 63 और 6 69, 7 2 जा 14, 14 और 6 20, ठीक है, थोड़ा नजदीक है, तो भी एक बार फिर 8 जा भी करके देख लेती हूँ, शायद और अच्छा आंसर आए, ठीक है, 7 2 जा 14 और 6 20, ठीक है, अभी 299 8 जा भी करके देख ही लेती हूँ, 299 8 9 जा 72 और 7 79, 8 2 जा 16, 16 और 7 23, ठीक है, 16 और 7 23, 2 3 9 2, ठीक है, 2 3 9 2 है, तो किससे करोगे 8 से, ठीक है, 2 3 9 2, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 8 9 जा 72 8 9 जा 72 79 8 2 जा 16, 20 23, ठीक है, कहीं भी छोटी सी मिस्टेक होती है ना, पूरा सम गलत हो जाता है, ठीक है, तो घड़ी घड़ी खुद को चेक करते ही रहने का, ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें, 11 11 में से 2 गया 9, ठीक है, फिर 3 ये इससे कह लिया, ठीक है, 13 में से 9 गया 4, फिर 4 4 में से 3 गया 1, ठीक है, 1 4 9 5, ठीक है, तो 299 की टेबल में 1 4, तो पीछे 5 है तो 5 से ट्राई कर ही लो, ठीक है, 5 से ट्राई कर लेते हैं, 299 5 जा ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, 299 5 जा 5 9 जा 45 5 9 जा 45 और 4 49, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, ठीक है, 299 5 जा 1 4 9 5, ठीक है, तो आंसर क्या आया 185, ठीक है, Q is equal to 185, ठीक है, ये कट किया तो 185, तो क्वेश्चन इज 185। सुनो आज है ना, मैंने जो भी सम्स किए जब से चालू और अभी तक, तो थोड़े से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सम्स थे, आप मतलब जैसे आप
तो आप क्या करेंगे, ये एक दो बारी रिवाइंड करके वीडियो देखना और हो सके ये डिवाइड खुद करना, ठीक है। मतलब आपका जितना आप ब्रेन यूज करोगे, मतलब देखो सोचने में भी कितना टाइम लगता है, ठीक है, वो सोच सोच के करोगे ना आपका पावर स्ट्रांग होगा। आप सीधा मैं कर रही हूँ, मेरी गलती, मैं सुधार रही हूँ, ठीक है, वो तो मैं कर रही हूँ, आपकी कुछ और गलती होगी, आप कुछ और तरह से सोचोगे, तो हो सके ना तो आप जैसे डिवाइड है ना खुद ट्राई करना, ठीक है, खुद करना। आप सीधा सीधा मेरे इसमें से कॉपी मत मारना, ठीक है, फिर आपको लगे ना हम नहीं कर पा रहे तो आप कॉपी करना। ये अभी तक का वीडियो है ना दो तीन बारी रिवाइंड करके देखना, क्योंकि आज हमने रियली में कॉम्प्लिकेटेड सम्स किए हैं, थोड़े से टफ सम्स हैं आपके लेवल के लिए। अभी हम एनसीईआरटी में आपकी एकदम लास्ट वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, उसको करने से पहले एनसीईआरटी जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें, तो उसको करने से पहले पहले पैटर्न्स, वो एक्सरसाइज पैटर्न्स पे है। पैटर्न क्या होता है, देखो कई बार बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। हम आपकी एनसीईआरटी में से ही कर रहे हैं, पेज 43 पे ऐसा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में आपकी। तो पैटर्न क्या होता है, मतलब जैसे देखो मैंने आपको ये पैटर्न दिया, जैसे देखो 84 × 10−1 = 84 × 99 = 84 × 100 − 1 84 × 999 = 84 × 1000 − 1। तो देखो आप देख सकते हो, अगर मुझे मतलब मैं 9 × 10−1 = 99 × 100 − 1 = 999 = 1000, ये पैटर्न है, ठीक है। अगर मैं इससे भी आगे लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ, जैसे मुझे ऐसे लिखना हो 84 × 9999 = 84 × 1, 2, 3, 4 − 1, ठीक है, इसे पैटर्न कहते हैं, ठीक है भाई। एक आप जब देखोगे ना, अभी देखो आप 6th स्टैंडर्ड में, आप नंबर्स तो आपको अच्छे से आते हैं, तो जो देखोगे आपको पैटर्न पकड़ में आ जाएगी क्या है, ठीक है। इसको ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक्सरसाइज का एक सम ही करा देती हूँ, तो आपको अच्छे से आ गया, ठीक है। हम सम करते हैं आपका एक्सरसाइज 2.3, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी का 44 पेज पे है, ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 है। पेज नंबर 44, ठीक है, पेज 44 है आपका एक्सरसाइज 2.3 पे क्वेश्चन 5, ठीक है। हम भाई मैंने जो पैटर्न की बात कही वो समझाने के लिए सम करके देखते हैं, ठीक है, स्टडी द पैटर्न, ठीक है, स्टडी द पैटर्न को देखो। क्वेश्चन है 1 × 8 = 1 = 9 12 × 8 + 2 = 98, फिर 1 × 3 × 8 + 3 = 9 8 7, 1 × 3 × 4 = 8 + 4 = 9 8 7 6, ठीक है, 1 × 3 = 5 × 8 + 5 = 9 8 7 6 5, ठीक है। तो इस तरह से ये पैटर्न है, 1 × 1 = 2 1 × 3 = 1 2 3 = 4 1 2 = 3 = 4 5, ठीक है। क्या बोल रहा है, राइट द नेक्स्ट टू स्टेप्स, ठीक है, दूसरे आगे के दो स्टेप्स लिखो। कैन यू से How the pattern works, ठीक है। तो next two steps लिखने के लिए बोल रहा है, तो next two step कैसे लिखोगे, तो आप देखो next two step क्या होंगे, देखो यहाँ पे सब में solution, देखो next two step आपके क्या होंगे, तो देखो यहाँ 1 = 8 = 9, तो देखो 12 8 + 2 98, देखो एक साइड से यहाँ 3 4 5 ऐसा बढ़ रहा है और दूसरी साइड से यहाँ 1 2 3 4 5 बढ़ रहा है, एक साइड से नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। इसके बाद वाला स्टेप कैसे लिखूंगी, नेक्स्ट टू स्टेप बोल रहा है कि आगे के दो स्टेप लिखो, ठीक है, 1 2 3 4 5 स्टेप इन्होंने दिए हैं, छठा सातवां स्टेप तुम लिखो, ठीक है, कॉमन सेंस से लिखो, कैसे लिखोगे छठा, द नेक्स्ट टू स्टेप्स आर, ठीक है, क्या होंगे देखो यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 6 × 8
प्लस सिक्स, ठीक है, फाइव है तो सिक्स इज इक्वल टू 9876 54, एक कम होता जा रहा है, यहाँ देखो 9876 54, ये पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप लिखो, दूसरा स्टेप फिर से देखो, सिक्स के बाद यहाँ देखो, यहाँ देखो वन था, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो दूसरा स्टेप क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई, एट का एट है, देखो एट सब में सेम है, एट का एट प्लस, फिर यहाँ देखो सब बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर क्या कर रहे हैं यहाँ, यहाँ फिर से एक काम कर रहे हैं, 9876 5 9876 5 4 9876 5 4 3 9876 5 4 3, ठीक है, तो नेक्स्ट टू स्टेप्स ये हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स, की पैटर्न कैसे काम कर रहा है, पैटर्न तो आप दिखा दो भाई कैसे काम कर रहा है, ठीक है, इसमें कहना क्या, आप दिखा दो, सारा साथ में लिख के दिखा दो, ठीक है, द पैटर्न वर्क्स, ठीक है, तो पूरा ये लिखी दो कि 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, ठीक है, 12 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 8 7, ठीक है, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 8 7 6, ठीक है, दिखा, क्योंकि वो पूछ रहा है कैसे किया तुमने, तो साथ में लिख के दिखा दो भाई ऐसे किया हमने, ठीक है। इसमें क्या, ये ब्लैंक्स में आ सकते हैं ऐसे छोटे छोटे सम्स है, कि भाई ये पढ़ के बताओ कि क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, 9 8 7 6 5 4 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 7 9 8 7 6 5 4 3, ठीक है, बस हो गया मसारे, 1 2 3 4 5 दिए हुए थे, 1 2 3 4 5 और ये दो हमने लिखे, ठीक है, तो इस तरह से पैटर्न काम करता है, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था, वह बहुत सिंपल सम था, समझ आ जाए तो बहुत अच्छा, ठीक है, मतलब नहीं समझ आया ना, एक बार आप रिवाइज रिवाइंड करके देख लिया करो, ऐसे जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो आप समझ पाओगे, ठीक है। अच्छा एक्सरसाइज 2.3 में ही क्वेश्चन 1 देखते हैं, मैंने पहले वो इसलिए लिया क्योंकि मैंने पहले पैटर्न समझाया था, मैंने कहा आप एक जैसा सम करके देखो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें, अभी हम करते हैं क्वेश्चन 1, ठीक है, क्वेश्चन 1 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0, क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0, कह रहा है इसमें से किसका आंसर 0 नहीं होगा, ठीक है, ए 1 प्लस 0, बी 0 मल्टीप्लाई 0, सी 0 अपॉन 2, डी 10 माइनस 10 अपॉन 2, ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 पेज 43 पे है, पेज 43 पे क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0, ठीक है, क्या बोल रहा है, इनमें से 0 किसका आंसर नहीं होगा, विल नॉट, नॉट 0 किसका आंसर नहीं होगा वो चेक करें, ठीक है, 0 किसका आंसर नहीं होगा वो चेक करें, कैसे चेक करेंगे, सॉल्व करो और क्या करोगे, 1 पहला वाला सॉल्व करो, 1 प्लस 0, ठीक है, 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 प्लस 0, अच्छा मैं इसको बाजू बाजू में लिखती हूँ, ठीक है, बी है 0 मल्टीप्लाई 0, सी है 0 अपॉन 2, डी है 10 माइनस 10 अपॉन 2, ठीक है, ज्यादा क्लियर रहेगा, हम ऐसे बॉक्स में सॉल्व कर देते हैं। अच्छा अभी देखो ए का आंसर क्या है, 1 प्लस 0, ए का क्वेश्चन है 1 प्लस 0, तो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0, इनमें से किसका आंसर 0 नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा, तो चेक करो, आप भूल जाओ किसने पूछा क्या, आप अपना सम सॉल्व करो, सम सॉल्व करो, क्या ए क्या है, 1 प्लस 0 1 प्लस 0, किसी भी नंबर में 0 प्लस करो तो आंसर सेम टू सेम आता है, ठीक है, ये आपने सीखा भी था प्रॉपर्टीज में, एडिशन वाली प्रॉपर्टीज, जैसे 2 प्लस 0 करोगे तो 2,
सेवन प्लस जीरो करोगे तो सेवन, एट प्लस जीरो करोगे तो एट, तो वन प्लस जीरो किया तो वन, ठीक है। तो किसी भी नंबर में आप जीरो ऐड करोगे तो आंसर सेम टू सेम आता है, तो वन प्लस जीरो वन आया, ठीक है। तो ये तो कहा रिप्रेजेंट, देखो विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, देखो इसने तो नहीं किया ना, तो इट विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, आंसर जीरो आया ही नहीं ना, यहाँ वन आया आंसर, ये तो क्या बोल रहा है जीरो आना चाहिए, तो नहीं आया, तो इट विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। अब इसको चेक करो, जीरो मल्टीप्लाई जीरो, जीरो जीरो जा जीरो, कॉमन सेंस, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा भी है, तो जीरो, सो इट रिप्रेजेंट्स जीरो, ठीक है, इसमें जीरो आया, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ देखो जीरो अपॉन टू, ये आपने डिवीजन प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि कोई भी नंबर अगर टू से, मतलब कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड होता है तो उसका आंसर सेम ही आता है, जीरो अपॉन टू जीरो ही होता है, ठीक है, ये भी जीरो, सो इट रिप्रेजेंट्स जीरो, ठीक है भाई, इसमें जीरो आता है। कह रहे नॉट, तो नॉट तो देखो अभी तक ये एक ही आया है, ठीक है, ए वाला ही आया है, ठीक है, ए वाला ही नॉट आया है अभी तक। अच्छा इसमें भी चेक कर लो, अच्छा ये वाला थोड़ा देख लो, बोर्ड मास का रूल फॉलो कर लो, बोर्ड मास, बोर्ड मास का नियम क्या बोलता है, ठीक है। अच्छा पर अभी बोर्ड मास से भी पहले डायरेक्ट सॉल्व ही कर दो, चलो टेन माइनस टेन, टेन माइनस टेन क्या करोगे जीरो होता है, टेन माइनस टेन जीरो, अपॉन डिवाइड टू, टेन माइनस टेन क्या होता है जीरो अपॉन टू, तो जीरो अपॉन टू का आंसर क्या आएगा जीरो, ठीक है। तो क्या बोलोगे, इट रिप्रेजेंट्स जीरो, तो एक ही ऐसा आया कि जो जीरो नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, विल नॉट रिप्रेजेंट, एक ही आया, ठीक है, ए वाला, ठीक है। होमवर्क देख लें आज आपका, आज हमने कॉम्प्लिकेटेड सम्स किए बहुत, मैं कहूंगी आपको कॉम्प्लिकेटेड सम्स भाई अच्छे से एक बारी तो मेरा वीडियो देख के करना, और दूसरी बारी वो सब खुद करने की कोशिश करना, ठीक है, यही मेरा होमवर्क है। एक बारी आज क्योंकि बहुत डिवीजन थी, बहुत अग्री अग्री थी, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट थी, पर अभी आपको आदत पाड़नी पड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी, आप सिक्स्थ में हो, ठीक है, अभी सेवन्थ है, तो डिवीजन अभी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो जो मैंने सम्स कराए थे, तो ऑब्वियसली आप जो मेरा वीडियो देखते होगे, आप सीधा सीधा मतलब लिखते जाते होगे, पर नेक्स्ट टाइम फिर जब सेकेंड टाइम करो ना, खाली क्वेश्चंस लिख देना सारे और आंसर्स खुद करने की कोशिश करें, और वही मेरा होमवर्क है, ठीक है। मैं आपको होमवर्क में कुछ नहीं दे रही हूँ, मुझे सिर्फ इतना करके दो, जो सम्स मैंने कराए हैं क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, ठीक है, मैंने खुद ने किए तो मुझे लग रहा था कि बच्चे कैसे करेंगे, तो कॉम्प्लिकेटेड है, आपको खुद करने हैं। और एक सम ही खाली मैंने आपको होमवर्क दिया, होमवर्क क्या है आपका, वो एक ही सम मैंने दिया आपको, कौन सा था, उस टाइम मैंने ऊपर लिखा भी था, और आपके पास उस सम की फोटो भी होगी, मतलब कल मैंने ग्रुप में डाली है ना फोटो, उसमें होगा, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन सिक्स है, ठीक है, पेज 4.19 का, पेज 4.19 का क्वेश्चन सिक्स, ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन सिक्स होमवर्क में है, और आपका सारा मतलब वन टाइम और करना है, ठीक है, सेम सेम एज क्लास वर्क, ठीक है, पर वो दूसरी बार क्लास वर्क करो तो वो सारा देख के मत करना, ठीक है, खुद से करना तो थोड़ा मतलब फायदा हो, ठीक है, वरना आप देख के कॉपी मार रहे हो, थोड़ी इंग्लिश है हिंदी है कि कॉपी मार रहे हो, ठीक है, मैथ्स में तो हमको अपनी बुद्धि चलानी पड़ती है, ठीक है। तो कल हमारे इस चैप्टर का लास्ट डे है, और हम फिर इसके बाद साइंस स्टार्ट लेंगे, साइंस का चैप्टर वन, तो कल कितने भी डाउट्स निकाल सकते हो, जितने आपके मन में डाउट्स हैं, होल नंबर्स, तो चैप्टर टू है, चैप्टर वन में भी हमने जब एंड किया था, मैंने आप लोगों से डाउट्स मांगे थे, आपने भेजे थे, मैंने लास्ट लेक्चर में सॉल्व भी किए थे, सेम कल चैप्टर टू का लास्ट डे है, कहीं से भी कोई भी डाउट निकल रहा है, स्कूल का, आपकी एनसीईआरटी का, आरडी का, कहीं का भी कोई भी डाउट हो, आपको लगे कि मैम आप, या तो मैंने कराया है उसमें से ही आपको हो कि मैम ये चीज फिर से समझाओ, कोई भी डाउट हो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, तो कल वो लेक्चर में मैं ले लूंगी, पर कल लास्ट डे है, ठीक है, चैप्टर टू का, कोई भी डाउट हो, कहीं से भी डाउट हो, कल याद से पूछ लेना, ठीक है, इसके बाद फिर अपने साइंस पे जाएंगे सीधा, और फिर जब ये दो चैप्टर सब सीधा एग्जाम के टाइम रिवाइज होगा, बीच में नहीं कराऊंगी क्योंकि हमको बाकी चैप्टर, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी करने हैं अच्छे से, ठीक है, चलें, थैंक यू।